हेलो फ्रेंड्स, लव नेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे छोटी मछली की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये छोटी मछली है, ये टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आज हम लोग इसे बनाने का प्रोसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इसे हम लोग अच्छे और स्वच्छ पानी से साफ कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसे साफ करते हैं। हम लोग हल्के हाथों से इस तरह से थोड़े थोड़े पानी देकर इसे रब करेंगे और इसकी जो स्किन पे जो यूजलेस इसकी स्किन पर जो इसके लगे हुए होते हैं वो हट जाएगी। फ्रेंड्स, हमने साफ करने के लिए पत्थर पर रखा है। ये पत्थर थोड़ी सी दरार वाली है जिससे इजीली मछली साफ हो जा रही है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है नहीं तो आप अपने नाखून से हल्के हल्के तरह से इसकी स्किन को साफ कर सकते हैं। अब इनमें से हम लोग हल्के से नाखून से प्रेस करके इसकी जो गंदगी है वो आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से आपको प्रेस करना है और गंदगी को निकाल देना है। तो फाइनली हम लोग सारे मछलियों को धो चुके हैं। इसे चार पांच बार और स्वच्छ पानी से हम लोग धो लेंगे। इसी तरह इसमें हम लोग हल्दी मिलाएंगे, हल्दी पाउडर और नमक मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मिक्स कर देना है नमक और हल्दी को। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो हमें लहसुन की कुछ कलियां चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, सरसों चाहिए और लास्ट में जो हम लोग एंड में ऐड करेंगे वो धनिया के कुछ पत्ते चाहिए और टमेटो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे पे हम लोग कढ़ाई को बैठा दिए हैं। ये जैसे गर्म होगी हम लोग इसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो इसे हम लोग इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा फैला लेंगे ताकि हमारा जो मछली है वो चिपके ना कढ़ाई में। धीरे धीरे तेल में मछली को छोड़ते जाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स आपको थोड़ा धीरे धीरे फैला लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं फैला रही हूँ वैसे आपको फैलाना है ताकि अच्छे से करकरा फ्राई हो। फ्रेंड्स, हमने जो लहसुन और मिर्च ले रखा था इसे हम लोग मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे और सरसों को भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं अगर ऑयल आपका किसी तरह कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप कढ़ाई को घुमा घुमा कर ही फ्राई कर सकते हो। इस तरह से पलटेंगे धीरे धीरे, इसे इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से पलटेंगे। ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो मछली आपकी उंगली से टूट जाएगी, तो खराब हो जाएगी, इसलिए आपको इजली धीरे धीरे ही करना है। देखिए फाइनली हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं एक भी मछली टूटी नहीं है, बिल्कुल आसानी से और जैसे कि वैसी ही है बस। और फ्राई एकदम करारा हुई है। आप हो सके तो आप फ्राई भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग नमक और हल्दी मिक्स कर चुके थे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा अभी अगर आप फ्राई किए हुए मछली खाओगे तो। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग सारे मछलियों को फ्राई कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सारी मछलियाँ बहुत अच्छी फ्राई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे ताकि इसका जो टमाटर और बाकी सारी चीज़ें हैं उन पेस्ट को हम लोग इसमें पका सकें। देखिए ये है पचफौरन, हम लोग इसे तेल में ऑयल में ऐड कर देंगे। हम लोग इसमें टमाटो को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जो लहसुन मिर्च
और टमाटो सरसों ले रखा था उसे हम लोग मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और इसमें कुछ चीजें ऐड कर, और हम लोग इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हम लोग एक चम्मच गोलकी पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही हम लोग जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। हमारा टमाटर पूरी तरह से पक चुका है। अब हम लोग मिक्सी में जो पेस्ट बना कर रखे थे उसे हम लोग ऐड करेंगे। इसे हम लोग अच्छे से ऐड कर देंगे। इन सारे को अच्छे से ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे से पहले पका लेंगे, अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट था ये पूरी तरह से पक चुका है, इसमें उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम लोग सारी मछलियों को डाल देंगे। इन सारी मछलियों को डालने के बाद हम लोग कुछ देर तक इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा टमाटो था उसकी खटाई से इसकी जो पहले हम लोग नमक ऐड किए थे उसका फ्लेवर घट जाएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा और ऐड कर देंगे ताकि खाने में बहुत चटपटा और अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा मछली बनकर तैयार है। अब हम लोग इसे उतारेंगे। अब हम लोग इसमें धनिया के कुछ पत्तों को ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट फ्रेंड्स बहुत लाजवाब लगेगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मछली बनकर तैयार है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत और लाजवाब लग रही है। फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।